फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडीएस वॉल चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मारुति सुजुकी इग्निस का एक वॉकअराउंड वीडियो। इस सेगमेंट में इग्निस को टक्कर देने के लिए मारुति कंपनी का ऑल्टो और मारुति सेलेरियो मौजूद है। इसके सिवा टाटा कंपनी का टियागो और ह्यूंडई का सेंट्रो भी इस सेगमेंट में मौजूद है, जिससे कि इग्निस को एक अच्छा तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलता है। तो इग्निस बेसिकली एक लग्जरी वर्सन है, तो ये सेलेरियो और ऑल्टो से थोड़ा हटके है। इसमें बहुत सारे लग्जरी और सेफ्टी फीचर्स दिया गया है, जो कि नॉर्मली ऑल्टो और सेलेरियो में मौजूद नहीं है। और इसका जो सेफ्टी फीचर्स है और जो लग्जरी फीचर्स है, ये टाटा का टियागो और ह्यूंडई का सेंट्रो से भी बेहतर है। तो चलिए अंदर जाके गाड़ी में और क्या क्या फीचर्स है आप अभी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कीलेस एंट्री का अभी स्विचेस दिया गया है बाहर। तो आप जैसे देख सकते हैं गाड़ी में डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है, ये है उसका पावर स्विचेस वगैरह। तो रिमोट जो मिरर है उसको कंट्रोल करने के लिए स्विचेस दिया गया है, पावर विंडो का स्विचेस दिया गया है, और जो लॉक ऑन लॉक का बटन है उसका भी स्विचेस दिया गया है। आप उसका इंटीरियर देख सकते हैं, इग्निस का इंटीरियर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये डिजिटल स्क्रीन में भी आता है, इसमें ऑडोमीटर और आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर दोनों दिया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये है आर्टिका लोगो, और इसमें जो म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए स्विचेस वगैरह स्टीयरिंग के ऊपर दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस है जो म्यूजिक को फॉरवर्ड, रिवर्स और मोड चेंज करने के लिए, म्यूट करने के लिए, और जो ब्लूटूथ का जो बटन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग के ऊपर दिया गया है। स्टीयरिंग के ऊपर एक ड्राइवर साइड एयरबैग, SRS का एयरबैग भी दिया गया है, जो सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। और अभी ये मैंडेटरी भी है फिलहाल BS6 का जो अभी चल रहा है उसके अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, एक टच स्क्रीन डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है गाड़ी में, जो कि इसका लुक को बहुत ही एनहांस करता है और गाड़ी देखने में भी बहुत सुंदर है और उसको यूज़ करना भी बहुत ही कन्वीनियंट है। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि उसमें कैसे म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। एक बार ये देख लीजिए गाड़ी का जो इंटीरियर है, ये डुअल टोन में आता है। इसमें बेज कलर के बदले इसमें वाइट कलर का यूज़ किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। बेज कलर होने से ठीक था, तो उसका गंदा होने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, लेकिन वाइट कलर बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो लेकिन फिर भी इसका जो डिज़ाइन है इंटीरियर डैशबोर्ड का बहुत ही अच्छा है। तो म्यूजिक सिस्टम के नीचे अभी दिया गया है AC का कंट्रोल स्विचेस वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC का जो डिफरेंट मोड्स है, इसको लिए एक नॉब दिया गया है, और फैन का स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ब्लोअर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दिया गया है, और यहाँ पे AC का स्विचेस दिया गया है, और डिफरेंट तरह का उसका जो मोड बटन है वो सब दिया गया है इसमें। तो ये रहा AC का कंट्रोल जो पैनल है, और उसके नीचे दिया गया है 12W का जो पावर सॉकेट है, और आपका जो USB और ऑक्स के लिए जो सॉकेट है उसको नीचे दिया गया है। ये भी एक कन्वीनियंस पोजिशन पर है। तो यहाँ नीचे अभी है इसका गाड़ी का जो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये कार अभी फिलहाल मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वर्सन में आता है, तो आप अगर चाहेंगे तो उसका ऑटोमेटिक वर्सन भी खरीद सकते हैं, जो कि कम से कम 30,000 से लेकर 40,000 ज़्यादा रुपए पड़ता है मैनुअल के हिसाब से। तो ये रहा गाड़ी का जो हैंडब्रेक है, ये भी उसमें क्रोम इंसर्ट दिया गया है, जिसके लिए ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी में अभी यहाँ पे बैक सीट के लिए AC नहीं दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि एक छोटा सा मिसिंग है इसमें फीचर्स के हिसाब से। इसमें रियर सीट के लिए AC वेंट देने से अच्छा था, जो कि नॉर्मली आजकल सेंट्रो में भी आ गया है। सेंट्रो में आप अगर देखे होंगे तो वो बैक सीट के लिए उसका AC का नॉब दिया गया है, AC का जो वेंट दिया गया है। यहाँ रूफ में लाइट का फीचर दिया गया है, तो ये भी रात के टाइम पे पढ़ने के लिए या कुछ देखने के लिए बहुत ही सुविधा प्रदान करेगा आपको। तो ये है ड्राइवर साइड का जो शेड है उसको दिया गया है, और पैसेंजर साइड में एक वैनिटी मिरर भी दिया गया है कन्वीनियंस के हिसाब से। और आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि एयरबैग, तो इसका मतलब है जो पैसेंजर साइड है उसमें भी आपको एयरबैग मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी SRS एयरबैग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पैसेंजर के लिए जो सेफ्टी है उसके लिए भी यहाँ पे SRS का एयरबैग प्रदान किया गया है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो ये रहा गाड़ी का कुछ कवर, इसमें कुछ आप आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। हालांकि इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आ पाएगा,
लेकिन फिर भी आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे रह सकता है। तो ये देख लेते हैं अभी आप, हम जो इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है और इसमें एक डिजिटल स्क्रीन दिया गया है और डिजिटल मैनुअल दोनों में इसमें ये आता है, देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। तो आप देख सकते हैं बीच में इसका जो बड़ा सा स्पीडोमीटर दिया गया है और साइड में हम आरपीएम देख सकते हैं, उसमें कितना आरपीएम दिखा रहा है वो उसको भी देख सकते हैं। तो और दाहिने साइड पर आप देख सकते हैं एक सुंदर सा डिजिटल का स्क्रीन दिया गया है और उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ साइड में स्विचेस वगैरह प्रदान किया गया है। तो ये जो साइड में स्विचेस है उसको आप मतलब कंट्रोल करके गाड़ी का जो ट्रिप है, इन्फो है और उसका जो सेटिंग्स वगैरह है, ब्राइटनेस वगैरह है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उसका जो ब्राइटनेस है उसको चेंज कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, ट्रिप भी देख पा रहा हूँ। और ट्रिप अगर आप चाहें तो दो सेटिंग्स में उसको सेट कर सकते हैं, ट्रिप है, ट्रिप भी। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपका ट्रिप सेटिंग करके देख सकते हैं कि उसका कितना ट्रिप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज इकोनॉमी माइलेज जो है वो 17.1 दिखा रहा है, लेकिन ARI का जो क्लेम्स है उसमें जो माइलेज के लिए वो कम से कम 20 से लेके 21 किलोमीटर पर लीटर आपका मिल जाता है। तो क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा नया है, इसका सर्विसिंग अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं आपको बता रखना चाहूँगा ये गाड़ी का अभी फास्ट सर्विसिंग भी नहीं हुआ है, इसलिए इसका माइलेज थोड़ा कम दिखा रहा है। और गाड़ी ज़्यादातर सिटी कंडीशन में घुमा है तो इसके लिए उसका माइलेज जो है वो कम दिखा रहा है, लेकिन बाद में जाके उसका 2-3 सर्विसिंग हो जाने के बाद, इंजन थोड़ा रिफाइन हो जाने के बाद उसका माइलेज कम से कम 20 या 21 तक आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ इसका जो गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है डिजिटल टच स्क्रीन वाला, ये देखने के लिए बहुत ही मतलब सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसको जो ऑपरेट करना बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाहिने साइड पे कुछ स्विचेस वगैरह दिया है, ये कैपेसिटर जो कैपेसिटिव स्विचेस है इसमें दिया गया है और इसका जो टॉस रिस्पांस भी है बहुत ही स्विफ्ट है, बहुत ही अच्छा है और एक ही टॉस में आपका ये काम कर लेता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बार बार उसको दबाना पड़े, क्योंकि ये एक कैपेसिटिव स्क्रीन है इसीलिए इसका जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कंट्रोल दिया गया है, आप रेडियो, FM, बहुत सारा मोड भी दिया गया है जिसको आप देख के चेंज कर सकते हैं। और इसमें नेविगेशन का भी दिया गया है, तो इसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के साथ इस सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको नेविगेशन GPS का नेविगेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें और बहुत सारे सेटिंग्स भी दिया गया है, तो लेकिन एक बात यहाँ पे आप लोगों को बता रखना चाहूँगा कि इस जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें आप वीडियो नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वीडियो देख सकते हैं लेकिन इसमें नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है उसका जो आगे का जो वाइपर है वाइपर कंट्रोल के लिए, और पीछे का जो वाइपर है उसको भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीड पे दिया गया है वाइपर को कंट्रोल करने के लिए, आप स्लो और मीडियम और हाई स्पीड में भी बारिश के हिसाब से आप वाइपर को कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे दिया गया है जो कार का जो AC वेंट है, आप देख सकते हैं AC वेंट का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसका कूलिंग जो है, कूलिंग एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ इसका जो स्विचेस वगैरह दिया गया है उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये जो सीट दिया गया है इसमें कंपनी फिटेड वो सीट कवर भी लगाया गया है, जो कि एसेसरीज जो मारुति का जो जेन्युइन एसेसरीज है उसके अंदर आता है। तो गाड़ी पीछे से आप देख सकते हैं गाड़ी का लुक कुछ इस तरह का दिखता है, गाड़ी पीछे से भी बहुत सुंदर लग रहा है, उसका जो डैशबोर्ड है, उसका जो सेटअप है डैशबोर्ड का बहुत ही अच्छा दिखता है पीछे से। तो आप देख सकते हैं एक बार पीछे से गाड़ी कैसा दिख रहा है, वो स्टीयरिंग वगैरह जो कि आप चाहें देखने के लिए। और देखिए जो पीछे मैं आपको बोला था पहले कि इसमें AC वेंट नहीं दिया गया है, जो कि एक तरह का उसमें लाकुना रह गया है, लेकिन उसके सिवा बाकी सब ठीक ठाक है, क्योंकि गाड़ी का जो इंटीरियर है वो छोटा है, तो एक ही AC वेंट से आगे वाला से वो उसका जो कूलिंग है वो अच्छे से हो पाता है। तो पीछे का सीट का क्वालिटी इस तरह का है, क्योंकि ये मारुति का जूनियन एसेसरीज के अंदर आता है, तो इसका क्वालिटी इतना मुझे नहीं लगता इतना खास है, लेकिन आप अगर चाहें तो बाहर से लेदर का सीट भी डाल सकते हैं। तो चलिए पीछे का बूट स्पेस खोल के हम देख लेते हैं पीछे क्या क्या दिया गया है सब। तो ये रहा पीछे का जो बूट है, तो ये जो बूट स्पेस है उसमें 260 लीटर का कैपेसिटी है और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 32 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इसका जो इंजन है वो 1197 cc का इंजन है, जो कि 81.8 BHP पावर आपको 6000 RPM में प्रदान करता है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो
मैं कोशिश किया हूँ ये वाला वीडियो में आपको बहुत सारे डिटेल्स देने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।